जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं रोहित। आप मन देखा था हमारे YouTube चैनल रोहित कुरवंशी संगवारी हो। आज मैं लेके आया हूं जय माझी लाही गोपी किशन छत्तीसगढ़ी नाच पार्टी चरोटा अंगारी जिला बालोद छत्तीसगढ़ वाले मन के बहुत ही बेहतरीन हंसी मजाक और कॉमेडी से भरपूर पारिवारिक गम्मत जैसे करबे तैसे भरबे के भाग तीन संगवारी हो। अभी तक की कहानी में आप मन देखे हो ठाकुर धर्म सिंह नवा बाई बना के ले आते जेकर नाम रहते गीता और ठाकुर धर्म सिंह के पहली से दूजन लेकर रहे थे बड़े लड़का के नाम रहते गोपी और छोटे लड़का का नाम रहते किशन। जब गीता घर में आते तब गोपी किशन से बहुत प्यार करते। एक दिन पहाटनिन जे ओकर घर में घर के काम करे ओकर नौकरानी रही से और मंगलू के पत्नी रही से वो आते और ओकर बाद फिर गीता ला भड़काते कि कब तक ते इनकर ऊपर प्रेम अपन देवे कोनो दिन तोरो तो लड़का हो ही ऐसे करके। यही बात ला सुन के गीता के मन में गोपी किशन के प्रति द्वेष पैदा हो जाते और ओला घर से निकाले के योजना बनाते। अंततः अपन पति ला बोल के ओला घर से बाहर निकलवा देते। एकर बाद कहानी में का होते आप ला देखे बर मिल ही तो चलो वा संगवारी देखथन जैसे करबे तैसे भरबे के अंतिम आखिरी भाग तीन। दाई दीदी भाई बहनी मन हमर अपन लड़के समझी तो जरूर कुछ न कुछ खाएबर दी। हाँ भैया देख मोर भाई आज हमारे खाएबर ना बहुत अकस रुपया मिल गए। हाँ भैया छोटे भैया मैं जाना था मोर भाई तोला जरूर भूख लगी हुई। हाँ भैया एक काम कर एला ले जा अब वो दुकान में जाके ना कुछ भंजा के खा ले छोटे। भैया ये तो कैसे बात करता भैया भूख तो मौला लगे ना भाई भूख तो तौला लगे ना मोर भैया। छुट्टी मोला भूख नहीं लगा थी मोर भाई तोला जरूर भूख लगा थी। हाँ भैया काबर की साई तो मोर कड़कड़ में बसी हंस रहा। हाँ भैया मैं तो रग रग सेवा की मोर भाई एला ले जा मोला ज्यादा जीत मत कर एला ले जा की ना और दुकान में जाके कुछ बना के खा ले छोटे। गीता काय जी पता कर तो ये हराम खोर मन के आवाज पास मिले थे देख तो का करत है कमीना मन ले देखे चिकन तिजोरी पैसा धर के कदर हन जावा तेला। नहीं मां वाह रे हराम खोर हो तू आज ये कांदे में उतर कर रे बाबूजी देख का रे बाबूजी ये दाव की जत रत्ती भर भी नहीं रखे रे तिजोरी में हाथ डाल दे रे। नहीं बाबूजी तिजोरी में उतर कर रे का बताओ रे कमीना हो। गीता काय जी ये जो तिजोरी का पैसा निकाल के ले जाते ना ओला ले ले और तिजोरी में डाल के लाग कर और एक कमीना माला घर से खसे के बाहर निकाल। नहीं दे 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 नहीं मां ये पैसा ला मत ले जा मां काबा नहीं ले को ये पैसा ला मैं चोरी नहीं करे हन मां ता कहां ला गया थी काकर पैसा मां ये पैसा ला तू ये गांव के दाई दीदी भाई बहनी मन दे है मां ये पैसा ला कोनो चोरी नहीं करे हन मां। अच्छा तो अति का कन पैसा ला तुम्हाला लाख ठरा दे रहा चट्टा जल्दी दबाई देना ये पैसा ना मत ले जा मां तू मन मोर सन ज्यादा जुबान लड़ा मत अब इसी दबाई दे ठीक है मां ये पैसा ला ले जा पर तू ले जा थस मां लेकिन एक बात याद रख बे मां का बात ला मां ये पैसा ना ये पैसा तुम्हाला कबुनी पूरे मां कबुनी पूरे तूने जी कैसे बतवा दे मसूरे अरे हराम खोर हो तुमन हमन ला बदो दे थोरे। नहीं बाबूजी हमन ला बदो दे तो बाबूजी चोरी और सीना दोरी रे कमीना देखा ले ले खसे वा बताओ रे हराम खोर हो मोर तो दिमाग काम नहीं करते हराम खोर मन के कर। बाबूजी आखिरी बार ये घर छोड़े से पहले एक लोटा पानी पिया देना बाबूजी प्यास के मारे तड़प तो एक लोटा पानी पिया ठीक है बेटा जी भर के तुम मतलब पानी पी रहे हमेशा के लिए तो प्यास बुझा दे तो ठीक है बेटा ठीक गीता काय जी ले आ ले आ लोटा भर के पानी ले आ चलो आओ चलो आ जाओ दोनों भाई पीना है ना एक एक तरफ चलो चलो कुत्ता पीले ला रोटी और पानी दे दूंगा हराम करो पर तुम्हारा ये घर में जूठा रोटी टुकड़ा ये कुछ पानी नहीं बाबा हराम करो छोटे। हाँ भैया देखा तस्मर भाई आज ये घर में का होते तेला। हाँ भैया छोटे अरे ये धरती में तो माँ बाप ला साक्षात
पानी एक एक दाना भर तरसा दिस भैया दिक्कत है हमारा इस जिंदगी गीता काय जी ये हराम खोर मन गलती ऊपर गलती किए जाते गीता और चौखा छोड़ के नाम नहीं लेते मोर तो दिमाग काम नहीं करते गीता गीता ये हराम खोर मन का कुछ उपाय बता गीता ते मला उपाय पूछता जी हां गीता कुछ दिन के लिए ते शहर कागज एक और अध्यक्ष मत कि मोर हाथ पकड़ दिस आओ कुछ काम से बाहर जाबे कत्तर आग ले बचे ही मन मला ये मन तो मत जान समझ मार के ना जमीन में गाड़ी आ दी जमीन में गीता अरे मोर रात तो ले दिन देखना नहीं पड़े गीता हाँ गीता पर भी गीता आप ये कभी ना मतलब मतलब ये कर पता से होते गीता हाँ गीता ये हराम खोर मन के लिए कुछ ऐसे उपाय बता ताकि ये सब मन मर जाए लाठी ना टूटे गीता हाँ गीता मोर तो बस एक ही ठन ख्वाहिश है कि ये कुत्ता मला खंचोले जाग जान समझ मरवा दे आई कर कलेजा लाख मोर हाथ में रख तब तो घर में रहूं आन खाऊं पानी पीऊं नहीं देख भी बिजली करंट मिली अब जान दे नहीं गीता अरे पगली नहीं नहीं गीता नहीं नहीं गीता नहीं साप बिच्छू का मंत्र है मैं कतूर बगर जी पहुँ गीता नहीं गीता गीता तोर इच्छा पूरा कर बर चाहे मोला अपन गर्दन ही क्यों ना कटवाना पड़े मैं अपन गर्दन भी कटवा दूँ गीता पर तोर इच्छा ला जरूर पूरा करके रहूँ गीता हाँ गीता ये कमीना मन का वही असर हो गीता तहे जो चाहतस पर गीता काय जी पता तो करो मगलू कहाँ है कहाँ आई दूसरा ही काम के डर में कहूं कर मन मरे ममता मरे कि मर मर जाए शरीर आशा कृष्णा ना मरे कह गए दास कभी मगलू हाँ भैया अरे ते कहाँ रे भाई मैं घर में रे भैया घर में रे हाँ ये घर में कहाँ होते देखा था सुना मगलू सब चीज देख जाले भैया कहाँ ये अच्छा होते भाई भैया हाँ ये अच्छा बुरा के पहचान मैं नहीं कर पाऊँ वो कर पहचान सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकते भैया अरे सब चीज ना ते घर में बैठ के देखा था हाँ भैया अच्छा बुरा तो समझ ली इस मगलू मैं नहीं समझ पाया भैया मगलू हाँ हाँ तो लग का बताऊँ भाई हाँ भैया ये कभी ना मन मार को लट टमा दे रे मार को लट नाच कर दे भाई हाँ मगलू ये हराम खुर मना जो वो कृत्य कर रहे जी करवंशी का चेहरे रख मतलब बिल्कुल पता से है अब बोरे का गए भाई हाँ भैया ले जाए हराम खुर मना कहीं पत्थर से कुचल कर मार डाल करे चला को मोले दे नहीं भैया जी मत मारो बापुरा सब के कही बुरा हत्या कभू ना छू नहीं पोथी सुनो जीव के बिना जीव बचे नहीं जीव के जीव आधार जीव दया कर पाली हमित कर भैया ये बेकार बात बोलते भैया अरे ये औलाद की खातिर रात और दिन एक करते रहे अरे वो दिल में भुलाव कैसे ये दिन वो देवी समान भौजी ये दुनिया ला छोड़ के किस कथ मंगलू मोर दो औलाद नहीं बल्कि तीन औलाद हो मैं बड़े ते हस भैया जब लड़का मन चल नहीं सीखे रही एक अंगरी पकड़ के मैं चल पर सिखाऊ आज ते बोल सच कलेजा टुकड़ा तो भैया अगर हो सके तो तय मोर गर्दन काट दे लेकिन ये काम नहीं कर सकूं भैया मैं काम नहीं कर सकूं मैं नहीं कर सकूं भैया साहब बस वाह रे मंगलू
तू और जैसे नौकर ना ये गांव के दो चार मालिक ले मिल जाए, अरे दो दिन लगे बर्बाद होत। हाँ दो दिन लगे बर्बाद होत। आओ माने भाई भाई की मणि चखावला। हाँ गीता भाई का तो मोर मुंह नहीं था कतरीस गीता, पर ये आदमी ये दिन देखा दी के कि नहीं सोचे वारे मंगलू कभी तो ले ये घर में नौकर के एहसास हो नहीं देवरी, हमेशा छोटे भाई के दर्जा देव। जिन दिन ये घर में एक रोटी पके ना आधा टुकड़ा मैं खाऊं तो खिला याद है नहीं रे भैया। अरे बचपन से घर के रोटी खाए तोलो नमक नहीं रखे तो लोग खाए दोबारा ये घर में कदम मत रख गीता। कहा बताऊं गीता, मुला तो ऐसे लगे थे ये हराम खोरमन के कारण मोर घर पाप में डूब जाते, मोर कुल पाप में भूल जाते। गीता काजी मोर कुल लतारे खाती ये मन शांति के लिए मैं कोई तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूँ गीता। हाँ गीता जब तक मैं तीर्थ यात्रा नहीं जाऊंगी गीता तब तक मोर मन शांति नहीं मिल पाए गीता। चाहे वापसी में मुला 15 दिन लग जाए या महीना दिन, जब तक मैं घर में वापस नहीं होना तब तक ये घर में जितना जमीन जायदाद खेती बाड़ी जितना भी चल अचल संपत्ति है गीता वो सब चीज संभाल के रखे गीता। बिल्कुल चिंता मत कर जी, खेत खार घर द्वार सब मैं संभाल लूं। हाँ गीता, अरे तोर ऊपर तो मुला अपन जान से भी ज्यादा भरोसा है गीता। हाँ गीता, पर एक बात और ध्यान देवे। का बात कीजिए? अरे पैसा के जरा भी चिंता मत करवे। का बात नहीं करबो? अरे पगली घर में फिर हाल तोर खर्चा के ले हाँ 3 लाख रुपया रख दे। हाँ बाप रे। हाँ बेटी में है ना, अरे अरे कैसे पागल की तरह करती है, बात ध्यान देवे। हाँ। और जो 9 लखी हार के ख्वाहिश रखते रहे ना। हाँ जी। 12 लाख रुपया तोर खाता में डाल दे हो। ए गीता, अरे ये पगली जी बात ला सोचा रहे ती ही बात ला कहा थे अपने होके सब ला मुला कहा संभाल ले भी गीता। मैं तीर्थ यात्रा में जाऊं कथी उड़ान जात जात नहीं और बताओ काला में है गीता। काय जी? अरे तक काकर से बात करत रहे। काकर से बात करूं? माने मन में याद रहे। अरे पगली, अरे मत तेरा यात्रा में चलते में तन में के सुन के। अरे अरे पगली, अरे मत रो, अरे जात होते। अरे भाई तीर्थ यात्रा जात हो एक पुण्य काम करे जात हो तो मोहन ले जाते तो का होते। अरे भैया अति घोड़े जायदाद जमीन जायदाद खेती बाड़ी अतना संपत्ति लो कौन संभाल के रखेगी ता। हाँ हाँ जी सही बात का। हाँ ये सब बात ले ध्यान देते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके वापस आ जाऊँ ना भाई। हाँ जी। और एक बात ध्यान देवे गीता। का बात कीजिए? अरे कुत्ता भी ले ला रोटी अब पानी दे देवे गीता, फिर हराम खोर मंगलूला ये घर में जूठा रोटी टुकड़ा एक बार पानी नसीब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाँ। यो ये हराम खोर मन का चेहरा तो आसपास नजर ही नहीं आना चाहिए। नहीं आजी। जितना जल्दी हो सके अटैची बैग पैक कर चल प्लेटफार्म तक छोड़ मिलो। हाँ जी। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों के ठोकरे खाएगा अपनी एक गलती से उम्र भर पछताएगा जो होएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा जो होएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर मौका जैसी एक ही सर काका बेटा ये दुनिया में तुहल बदनसीब आ मोर जैसे अभागा कोई नहीं है बेटा। एक बात बता बेटा, अरे एक औलाद की खातिर में तरस गए हो लेकिन मोर एक नहीं बल्कि आज ये दो औलाद करके समझते रहे बेटा। ये समाज में एक माँ ल पूछ के देख एक पिता ल पूछ के देख इंसान एक औलाद की खातिर
अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाके माथा टेक थे बेटा, तब जाके एक औलाद हासिल होते। पर तुहर बाबूजी तुम अला परख नहीं पैस बोलते बेटा, ये कुत्ता कभी ना माने ले जाओ और काट के कल जा टुकड़ा ला लाख बेटा। कक्का हाँ बेटा, ये दुनिया में ऐसे कौन लड़का वही कक्का, हाँ गोपी, जेकर ऊपर अतिक बड़े इंजाम लगे के बाद जिंदा रहना चाहिए। हाँ बेटा कक्का, हाँ चला जी काम कर कक्का। हाँ गोपी, आज दोनों भाई ला को ना कर ले जाके मार दे कक्का। ऐसे बात मत बोल बेटा, तू हर आगे अरे पूरा जिंदगी पड़े है बेटा, तुम जाओ ये दुनिया में निकल जाओ, दुनिया में निकल जाओ। और याद रखना बेटा, याद रखना, ऐसे घर में कभी मत आना, जा बेटा जाओ। लेकिन कक्का, हाँ बेटा, बाबूजी जानी ये दुनिया में गोपी किसने अभी भी जिंदा है, तला जी अपनी चारी मार डाली कक्का। गोपी बेटा मोर फिकर मत करो रे, मैं तो तुहर खातिर अपन गर्दन कटवाए बता यार हो बेटा, तुम जाओ ये दुनिया में निकल जाओ बेटा, दुनिया में निकल जाओ। काका, हाँ किसान, तोरा तो बाबूजी हम मन के कलेजा के टुकड़ा मंगाए ना काका। हाँ बेटा, काले गोपी किसान के कलेजा के टुकड़ा लार के देबे काका। किसान बेटा, जब एक इंसान दूसरा इंसान लपरक नहीं पाई बेटा, अरे वो कलेजा टुकड़ा का जान ही, मैं कोई जंगली जानवर या कुकुर को लेकर कलेजा दे दूं बेटा, पर तुम जाओ ये दुनिया में निकल जाओ बेटा, दुनिया में निकल जाओ। ठीक है कक्का। हाँ बेटा, हम न जातन। हाँ गोपी, अपन ख्याल रख भी कक्का। हाँ गोपी, ये गोपी के साला का भूजल बुलावे कक्का। नहीं भूला बेटा, ये गोपी के साला में ससुर तक करत रहे कक्का। हाँ बेटा कक्का। हाँ गोपी, एक ठोक बात कहू कक्का। बोल बेटा। तो सच पूछा मर माँ बाप से बढ़ गए किसन। बेटा आज मोरे जीवन धन्य हो गए बेटा, ये मोर जीवन धन्य हो गए, अरे कर्म के नहीं लेकिन आज एक मोल धर्म के बाप बना दे बेटा, मोर जीवन धन्य हो गए। जा बेटा जा कक्का। हाँ गोपी, अपन ये दोनों हाथ ला, अपन दोनों लड़का के सामने हमेशा रखे रह बेटा, अपन दोनों लड़का के सामने रखे रह बेटा। मोरे शर्मा कहा सदर भला जिंदगी भर बात के दुलार दे हो जी, मैं तो आवा तुहर लगा भतीजा तुम्हें।
तोहर लगा भतीजा तोहर आँखी माया नहीं तो गोपी ए किशन बेटा आखिरी बार आके या भागा करके के गला लग जा बेटा आजा आजा बेटा जन्म जन्म की नाता छोड़े झन छूटे मान गए माँ ते जब तो कई इंसान लेते था तो छप्पड़ फाड़ के देते थे माँ और जब ले जाए की बारिया थे ये कुर्ता फाड़ के ले जाते थे माँ लेकिन माँ ये गरीब में दुलकार दे सकता हूँ माँ वो तो दोनों औलाद न देश देखे न दुनिया मतारी कल पछत्र छायम रख ले ये तन रही ये जिंदगी रही तो डेहरी में एक दीपक जला सकता हूँ माँ एक दीपक जला सकता हूँ वाह रे नारी आज तो लड़का मन के कलेजा टुकड़ा चाहिए तो जरूर मैं कलेजा टुकड़ा दूँ पर नहीं आप तो इसे सबक सिखाओ डायन जिंदगी भर याद रख बे याद रख बे याद रख बे हाँ ठकुराइन ए ठकुराइन आई मंगलू ये ले आगे मंगलू आज मैं ते खुश हूँ मोर खुशी के ठिकाना नहीं है साल का तिहार वाला कभी ना वो मन ठिकाना नहीं पड़ी लेकिन आज आज मैं मोर घर के चारों खुट में घी के दिया जला हूं और देवारी माना हूं मंगलू देवारी मोर तो बस दो ठन मुसीबत रही से एक ठन मुसीबत के हल तक कर दे हस और एक ठन बचे नहीं गे है तोर भैया तीर्थ यात्रा में विड़हनों का डोंगा खबला जातीस और खटिया मुटा रिंग जातीस बहुत खूब मैके में तियार खात परे रे फूठा टिप्पल ए हमरे खाबा दे टांटा मत कर हीरा जैसे औलाद ला परखनी पा ये घर से बेघर कर देस सिर्फ एक दौलत के चक्कर में कसम भगवान की जे दौलत के चक्कर में कमल घर से निकाले वो दौलत के तीन का तो नसीब में नहीं हो दोस्त ते ये कब नहीं कहा था कि ये थन दौलत पर तो नजर इसकी लाल से दौलत पे ते का सोच ए बत्तीन जाके मोर महतारी मन घर मोर बाप मन घर मजदूरी करके जी सकतो लेकिन ते पांच रुपया कमाक देख रहे डिस्पोजल ते मरे घर खटे तेरे कोड़िया मरे घर ए गांव में काकरो घर चार दिन खट के देख तब तो तला जा रहे चौकड़ा हजारी अच्छा ते बोल जरिक है अरे जरिक महिम मीठा थे ते उमनी मीठा से ढंढनी ज्यादा चकर चकर मत कर देवारी चुरोना सनी से धोनी
तोरनी था 2 मिनट पर ही अभी सुन भौजी ते काय करथस काय करथस अगले जन्म में पक्का ते कुतरी जन्म धरबे और काय उल्टा रे के किस्ते एक हाथ का नहीं चार पांच ठन पिला रंगाबे ओतरे मैं धरु रोटी तू 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 आ जाओ तारी ढान जो थोड़ी ककरो चाबी मारबे फट ले ए अच्छा कहे मैं समाज के बीच में कहत हूं मैं मरहू तो ल्याहुज मरहू लेकिन ते कहां जाबे जे शमशान घाट में मैं जा रहा हूं ऊंचे तहु आबे और जे दिन ते आबे मैं भीतर निकल हूं खटोल सुथा ले देखे चिकन दिया रे संचुनदरी तरी तरी एक तो कंदाना पानी हाथ में नहीं लगे तो कैसे फड़फड़ा दिन पानी पड़ गया वही तो मैके में ऐसे मुहावत रहे ऐसे मुहात रहे आज जठा पा रहे सुन भौजी ये सूरज नारायण के खड़े है रोज के तो लुगरा छाई से सुखोय बनो है और जो लड़का मल तपे हस ते देखबे कल एक रात में खप्पे खप्पे रहन दे कथनी ऊपर में राम राम अत्तरिम कथाई चीख ले रे मनी राम सकर मिठाई सुन भौजी अरे तिरिया चरित्र मंत्र पढ़ाए और गरी कस मसरी वो राजा दशरथ ला फसाए एक नारी बहुरिस के कई जे भगवान राम और लक्ष्मण ला वनवास तो भेज दिस लेकिन ये नहीं किस काट के कलेजा टुकड़ा लाबे करके पढ़ते कई कई से बदतर हस कई कई से बदतर हस एक कर खड़े हो ज्यादा भाषण मार मार जा तो घर में अब तोर भाषा ना नहीं तो डर के सुनाबे संभाल संभाल के बात कर भौजी कथे अरे शब्द संभाल के बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ एक शब्द औषधि बने और एक करे घाव ये जो घाव देस बोले जीवन में नहीं भूला लेकिन क्या कहते मोर धन मोर दौलत तो लसक है हाँ तब ये तो चिचला ते चिचला एक ठन हाथ में कौन कहा है दोनों हाथ में खावे हाथ में खावे और जे दिन तो चीज सिरा जाही अभी तोर का पैसा है जाबे रुद्रिक नंदिया में और खान के कानल खारे खटिया रे मारे रोगा तोरे मनी पूरा तक तो चमलम जाक छुज माता तक छुज महा देख मारा फुटका कई रहा रोगा डिंगा काला खोता तो फोड़वा तोर खटिया रे गा मार हु इन लोटा तोर प्राण छुज ठन ओ इन लोटा प्राण तोरे तोर फोटा के जाई तोर खटिया रे गा तो ना सोरे तोरे का ना के तें दो खुटा तोर खटिया रे रोगा खटिया ना मारा फुटका कई रहा रोगा डिंगा पागल हो पूरा पागल हो तोर इलाज नहीं हो रे इलाज नहीं हो और जे दिन मांगत खावा ताबे ते दिन रापल धर के बैठे ना खपाट हूं चीज पर वो दाई दादा हो मैं जीवन भर मेहनत कर आई आदमी हूं मोल कभू नहीं दन यार ही सती काज में पछी ना छूट गए पर जाओ ये बात तो मोर घर के भाई बताओ हाय हाय ए बोदरा ए काय पाट ये काय कर कुदा करे जोड़िया बड़ा प्रथा वसो अरे मैं नहीं कुदा हूं मोला कुदा है ए का है बोदरा आज भौजी लइका मला खाली निकाल दिस मैं अत्री के भौजी ते लइका मला काबा निकाले अरे मोर सात पुरखम पानी रुको दी बोदरा लइका मला खाली निकाल दी ता लइका मन कहां होई पहाटिया जंगल में ले जाके छोड़ दे बोदरा ता लइका मला घर में लाने रहतेस नी वो चार पहर रात रह रहती तन अपन जी जाए को रहती तिहा जाए रहती जोड़ी बोदरा तोर से ज्यादा सोच मोला है लाते अरे वो नागिन मोर घर में आग डस देती आई और वास्तव में तो राम सब दनी भजे पाटिया तो सातपुर का पानी रुको या कोनो ते जोड़ी ओ ते जा मेरे तन जैसा नति तैसा नति चल तो जा थर पे जा थर पे आई नी जा पाटिया नी जा या मोर बात ला कान खोल के सुन मैं है ना तोला छेला ढील दे जा थर पे ए वो तोला नी सारे खेत मोला का सारे खे पाटिया नी जाओ या ते मोरे का पुच्ची से कूदबे वहां नी चले तोर सही बात है पाटिया कान खोल के सुन ले आज के बाद वो घर के दरवाजा हम लिए बंद जा मोर बाप मन घर जा ये मोर महतारी मन घर जा पूछ और कर मजदूरी और ते मोला कहबे आज मैं काम धाम करबे नहीं करूंगा आई कस पहाटिया मैं तोला पूछू हाँ। काम धाम नहीं करू कई कथस तुम्हारे घर के कमाई भी घर चल जाइयो एक दिन नहीं जाऊं तो प्राण छूट जाइयो ते कैसे कर में कथु या मैं बताओ ना आज मैं टेंशन में हूं टेंशन मैं जाऊं भट्टी निकालू लाल क्या थी अधु बत्ती है ये पहाटिया तुम लाल के पियो चाहे सफेद के पियो जोड़ी मोला का करे बरही अरे घर में लकड़ी छे ना नहीं पहाटिया कोई तिले लकड़ी छे ना बेचैया ही वो लकड़ी ला राख लू ना लेना है हां अब मैं जात हूं कमाईला जा 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 हे गांव के सिर कमई हां हे माझिला ही देख मां वो तोर दोनों औलाद न देश से देखे न दुनिया महतारी चल चल श्याम रथ भी मां जंगल झाड़ी डोंगरी पहाड़ी ये तोला खोजाऊं निमवा झाड़ मां हो जंगल झाड़ी डोंगरी पहाड़ी तोला तो जो निमड़ा मा हो
ये तो भाई की सर भर एक लोटा पानी ला दे भैया सर भैया कहो कि भाई मतलब बहुत ज्यादा से प्यास लग रही है ना कच्चा भैया ती कैसी बात कर सक छोटी मैं घर घोर जंगल में तो पर कहां से पानी लो मोर भाई थोड़ा दूर चल ओकर बाद कोई गांव वही ना वहां जाके पानी पी ले भैया मैं तो एक कदम भी नहीं चल सकूं भैया छोटी जा भैया तो भाई भाई काजोल एक लोटा पानी जुगाड़ दे भैया नहीं तो तोर भाई की सर ये दुनिया में नहीं रही भैया जा भैया ते काजोल पानी के जुगाड़ कर दे मोर भाई जा भैया जा भैया भैया भगवान आज कौन जन्म के परीक्षा लेता परमात्मा आज ये दोनों भाई ने एक अकबर पानी पर तरसातल हे मां जी लाही तै तो साक्षात देखा तस न मां फिर काबर अपन दोनों औलाद ने एक अकबर पानी पर तरसातस मां तारी एक अकदाना पर तरसातस मां आज मोर छोटे भाई प्यास के बारे तड़पते मातारी मोर छोटे भाई बन एक लोटा पानी की व्यवस्था कर दे कहूँ आज एक लोटा पानी की व्यवस्था नहीं कर भी लबा तो ये दुनिया में ये मां शब्द से विश्वास टूट जाए मां विश्वास टूट जाए एक लोटा पानी की व्यवस्था कर दे मातारी कोई पानी ला दे भैया कोई पानी ला दे ताई पानी 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 चलो मैं ठाकुर डोमेंदर सिंह वैसे अपन यहाँ नौकर मल कह रहे हो अरे बाबू हो छुट्टी लेबर लेत हो अच्छा काम करत हो पर जैसे तुम्हारी छुट्टी खत्म हो जाही आके अपन हाजिरी दर्ज करा लो पर ये लड़के मन अभी तक के घर में नहीं पहुँची है कहाँ पर घर के काम हमें व्यस्त हो गए का है मोला समझ में नहीं आती और महू हाँ अपन फैक्ट्री के काम में अति व्यस्त हो जाते हो अपन खुद के खेत जाए के मोल मौका नहीं मिले चलो आज मौका मिले है ये मौका मैं हाथ नहीं गवाऊं जाके देखो खेत का हालचाल है अरे कोई लड़का के तट का समाज लगते और शायद पानी पानी की घरों चिल्ला थे पर ये आवाज आवाज कौन तरफ ले आते भाई अरे अरे रे 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 ए बेटा उठो उठो ए बेटा उठ जा बेटा उठ जा हाँ उठ जा आराम से उठ जा अरे ते हाँ ये बीच रास्ता में सुत के कबर हुआ था जी दाऊ जी हाँ मुझे एक लोटा पानी दे दे दाऊ जी तोला पानी चाहिए हाँ दाऊ जी खा बेटा तोला प्यास लगेगा नहीं दाऊ जी मोर छोटे भाई वो घनघोर जंगल में प्यास के मारे तड़पते दाऊ जी अरे आज को मोर छोटे भाई बर एक लोटा पानी नहीं ले जाऊँ ना दाऊ जी तो मोर छोटे भाई के प्राण नहीं बचा पाऊँ दाऊ जी बेटा ते चिंता मत कर वैसे तो मैं खेड़ा जाए पर निकले हूँ
पर ओकर पहली मैं तोरा पानी की व्यवस्था करत हूँ, ते बिल्कुल चिंता मत कर बेटा। हाँ ये पानी पे कर बेटा, और कते कर तोर भाई है ना ओला ले जाके पिला थन। तुमरी भर के लाना गा भैया किसन ने मगाया जी, लगेस बेटा ठीक है बाबूजी, कोई प्रकार के चक्कर तो नहीं लगा था ना? नहीं आते बाबू। हाँ हाँ बहुत बढ़िया छोटे। हाँ भैया आज दाऊजी नहीं रहती ना, मैं तो प्राण ले नहीं बचा पाते मोर भाई। हाँ भैया चल दाऊजी से आशीर्वाद ले ले। हाँ हाँ खुश रहो बेटा खुश रहो। अच्छा सबसे पहले तो मन हमला अपन परिचय तो बताओ दाऊजी। हाँ नसीब के मारा दर दर ठोकर खाते दाऊजी, ओकर का परिचय पूछ तू। फिर भी बेटा अरे तुहर मन के कोई नाम हो ही, तुहर गांव के नाम हो ही दाऊजी। हाँ हमर मन के नाम की मोर नाम गोपी है, और ये मोर छोटे भाई किशन हरी दाऊजी। गोपी किशन? हाँ दाऊजी। अरे ये नाम तो मुला कुछ जाना पहचाना बरोबर लगत है। और बेटा तुम्हारे रथो कहाँ दाऊजी? हाँ हमन ओ चरोटा अंगारी रथन दाऊजी। चरोटा अंगारी? हाँ दाऊजी। का तुम्हारा चरोटा अंगारी में रथो? हाँ दाऊजी। अरे बेटा वहाँ तो मोर बचपन के मित्र आवेगा। बचपन के मित्र? हाँ शायद तुम लोग जाना तो हो। कौन है दाऊ जी? वो दाऊ धर्म सिंह। दाऊ धर्म सिंह? हाँ बेटा वही तो मोर बचपन के मित्र हरेगा छोटे। हाँ भैया दाऊ जी बोलती बाबू जी ला बचपन के मित्र आए करके। हाँ भैया हमला फिर से बाबू जी के पास ले जाइए ना, तो ये पारी जिंदा नहीं बचन, चल जंगल की तरफ भग चल थन। चल चल छोटे। अरे ये आ जाओ बेटा, फिर कहाँ घनघोर जंगल है तुम्हें जात होगा। तुमन का थो दाऊ जी के लेकर हरन, पर बेटा ये तुहर मन के स्थिति ये हालात ये सब काय बेटा मोला बता तो दाऊ जी। हाँ आप मन तो बाबूजी के बचपन के मित्र। हाँ बेटा तो ये भी बात जानत हो कि हमर माँ हमारा बचपन में ही छोड़ के स्वर्गवास हो गई। हाँ वो बात की मोर जानकारी है बेगा। लेकिन दाऊ जी हाँ बाबू जी हमर मन के कहना मान के हमर मन पर दूसरा माँ ला रही से, लेकिन ऐसे का बात हो गए कि बाबूजी माँ की बात मान के हमारा घर से भी घर कर दी दाऊ जी। अरे राम 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 वाह दाऊ जी, मैं नहीं सोच रहे हूँ कि आप ऐसे घलो काम कर सकते हो। जब भी उठना बैठना होए, जब भी मुलाकात होए, हमेशा धर्म के बात ला करो, नीति न्याय के बात ला करो। मगर आज कहोगे दाऊ जी आप लग एक नारी के बात ला मान के ये मासूम लड़के मन के ऊपर अत्याचार अनाचार। दाऊ जी ये बात आप ला बिल्कुल शोभा नहीं देते दाऊ जी, मुला तो विश्वास नहीं होते कि आप ऐसे घलो काम कर सकते हो। पर बेटा तुमन आज एकदम सही जगह में पहुंचे होगा। कथे हर रात के बाद दिन हाथ है, हर दुख के बाद सुख की घड़ी आते, उसने बेटा तुम्हारे जीवन में आज वो सुख की घड़ी आने वाला है। हाँ दाऊ जी। गोपी तुम्हारा एक बात से मैं वाकिफ करना चाहता हूँ बेटा। क्या बात है दाऊ जी? बेटा तोर पिताजी के साथ में हमारा उठना बैठना हुए ना, तो हमारे बीच में कई तरह की बातचीत चले, वही दरमियान एक जो हम दोनों के बीच में वादा वचन हो रही बेटा। मैं कह रहे हूँ दाऊ जी आप कर दो बेटा है अब मोर कर बेटी है, तो चलो ये जो दोस्ती की रिश्ता है ओला समझाना में बदरबो करके एक तो वादा वचन हो रही बेटा। और देखो किस्मत ला मंजूर घलो हो तुम बोला मोर साथ में लान के बैठा दीस, ऐसे करो बेटा तुम चलो से मोर घर में चलो। नहीं दाऊ जी, दाऊ जी पहले स्थिति कुछ और ही से दाऊ जी, और अब की स्थिति कुछ और है दाऊ जी। आप मन तो ये दोस्ती ला एक रिश्ता में बदलना चाहते ना दाऊ जी? हाँ बेटा। दाऊ जी आप मन तो हमारे हालात ला देखा तो
ना तो हमर रहे बर घर ही न खाए बर खाना न ये तल न ढके बर कपड़ा है दाऊ जी। आपकी लड़की तो ऊंचे महल में रहने वाली है रे, अच्छा अच्छा भोजन करने वाली है रे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने वाली है रे, ओला ले जाके हमन कहाँ रखबो दाऊ जी। बेटा अरे वो कर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माता रानी की कृपा ले मोर पास में अपार संपत्ति है बेटा। एक साबुन के फैक्ट्री है जी, हजारों वर्कर काम करके अपन जीवन यापन करते हैं। तो मन लायक में हो गए हो, संज्ञान हो गए हो, कमाए के लिए हो गए हो, अरे मोर साथ में चलो, मोर काम में तुम्हारे हाथ बटा होगा, तुम मतलब कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। ठीक है दाऊ जी। हाँ अच्छा बेटा किशन, हाँ ये कपड़ा पकड़ो और तुम मन बेटा जल्दी तैयार होके जाओ, फिर हमने जाना फैक्ट्री तरफ। ठीक है दाऊ हाँ। जी खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। देखन भी रत भी जाता एक एक दानाड़िया बहुत बहुत पानी भर तरसल होते। गीता काय के दे डोंगरी मोल चढ़ा देबो, मैं पथरा ऊपर झपा गए मोर माड़ी फूट के टेंशन लागते फूट जाना झक झकानी तो हे भगवान काबर मोला शराब थस वो काबर मोला शराब थस का दे अति जोर से ढाकली से एक खंभा मोर तरवा भी चटक जा रही। गीता काय देख तो मोला उठी के देखकर फेंका गए थे मारा था प्यास के मारे, अभी थिराक में गिलास में पानी ली पिए हूँ, फिर तियारा बता सकते मोला जानते रहा कैसे ठेली बोली मोला देता सुबह मैं अदरा कनवा के देखा लटा मारू गीता ऐसा वाले घर में चुपचाप चाप नहीं बैठे रहते कहा एक झन परे रहूं कही के घर में संग संग में तो राज अच्छो तहुल ठोसरा दे वतर ससुआ लन चाबेल कुदा के घर अरे लाल ये किला तो पारे मोर पिया दे वो कोई कर लाख वो मोर गला सुखा दे खोजा तो था अरे लाल वो ये भगवान मोर गला सुखा ते कत था कतिक पानी पानी तू चिल्लावा था तोर मुंह निकले तान पासो ना ले के खाजरी तारी हम भर दू भर दे नबो वाह मालिक वाह परमात्मा भिखारी मालिक भिखारी
आज हाथ में आए जल मुंह तक पहुंचने बात दिखा रहे। राजा नल विपत पड़े मुझे गोचरी दहल में कूदे। वाह परमात्मा एक समय तो ऐसे रहा है मालिक मोर घले दस याद भी भोजन करके जाए पर आज वो दावला एक एक दाना बुन बुन पानी के दर्शन हो गए। समय हा समय लगे थे समय बड़ा बलवान का एक दिन तय राजा रहे अब हो गए से तय कंगाल का एक लोटा पानी ते नहीं सकेस ना मोला पियल देस ना ते खुदे पियस ए गवाह ही नहीं ते जा चाट बे। वाह परमात्मा आज बोला दुनिया के ठोकर काय भर कर दे माले दुनिया के ठोकर काय भर कर दे विधाता आज कहीं मोर बुढ़ापा के सारा रतिस मोरे यदि देखल बेटे के लाय बेटे पर बाबा फूटा करम के फूटा दोना बेज गवा के चारो कोना तोला ना कहीं चीज के चेस होता नहीं रहा है। हाँ परान खाए पिए की वाह परमात्मा बारा था बाटी 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 खोदने रहा लुदरू। वारे करम पल पल में धोखा पल पल में दगा दिखा रे बाली मोरे करम आवी दगा बाजी रे मोरे करम हारे दगा बाजी रे मोरे मोटाई देता हो आ मैं का कहा था काकर छेरी बोकरा नुल्हा टोर के निगाते कहके ए मन छेरी बोकरा नो वहां डोकरी डोकरा है इका लकड़ी बेच रहा है काका कसका दाऊ कोन मालिक ये तो लकड़ी बेच रहा है का बेच रहा भाई दाऊ ले ले मालिक। अच्छा के कोरिया है सस्ता लगा दे बताओ तब ले दे दे बेनो मालिक। हां हां 7 कोरी 10 रुपया दे दे बेटा रा भैया तो लकड़ी देखन दे देख ले मालिक डोकरी है डोंगरी लुतारे मोरदाई देदा हो ये लकड़ी बरोबर कौवा नहीं भूजा है ये 7 कोरी 10 रुपया का थे कैसे तोरे सही आंध्रा से मत थस का होगे भैया ये लकड़ी रखेरा तू और दोनों जन के आखिरी समय सब चाक काम ही मिली लेगो भैया ले जा मालिक। अच्छा मैं तो हाथ जड़ा तो पाँव पर तो दाऊ। हाँ जी आज 3 दिन हो गए मालिक। हाँ हाँ ये पेट में अड़िया के दाना नहीं गए ऐसे एको दो बिहारी पसिया पुथन पसिया मोर बकरी में दुठन कुकुर है तेकर बा पसिया नहीं है का मैं तुम्हारा पसिया दू दिखा रे मालिक। ये अभी तुम्हारा शुरू है तुमन आगुड़ा देखो गुरु होते काका एक तीर में बैठो द चक्या जब है घे जदिक जात रही मैच का पर रहू फिर कैसे तो टूटा गाड़ा तिरिया उड़ा गाड़ी मोटर के बात तो कान में नहीं सुना थे कते आग ठोक दी नहीं तो टिकट हकर दियो पटा अपनी भी जिंदगी में अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल जिंदगी में अपनी जिंदगी में
हाँ भैया मतलब एक ठुक बात बता भाई। क्या बात बताऊं भैया? आज हमारा गाँव छोड़े किस साल हो गए? गाँव ने छोड़े तो 12 साल हो गए भैया। 12 साल हो गए ना। हाँ भैया, का ये 12 साल में तुला माँ बाबू जी की याद नहीं आते? मोला माँ बाबू जी को तो बिल्कुल याद नहीं आते भैया। छोटे हाँ भैया, देख कैसे बात करता समूर भाई। छोटे आज ना आज मोला माँ बाबू जी की बहुत याद आते। हाँ भैया, सपना में देखे माँ बाबू जी वृद्धावस्था हो गए, दर दर के ठोकर खाते। हाँ भैया, घर बेघर हो गए मोर भाई। हाँ भैया, मोर तो मन करे थे चना दो चार दिन के लिए माँ बाबू जी से मिले पर गांव चले जतन। ये तो कैसी बात कर सच भैया, तोला जाना है तो जा भैया, मैं तो घर में कदम भी नहीं रखो भैया। छोटे ठीक कैसी बात कर सच मोर भाई, काता यो दिन ना भुला गेस जे दिन मैं तुला समझा रही हूँ कि माँ बाबू जी के धुतकार में कहीं ना कहीं प्यार छुपे है। देख छोटे, ओकरे प्यार ओकरे आशीर्वाद से आज संसार में हमन जिंदा मोर भाई, आज संसार ला हमन देखत हन। छोटे कौन विद्वान मन कथे मोर भाई के ये दुनिया में ना माँ बाबू जी के छोड़ कोई देवी देवता नहीं कथे। हाँ छोटे, माँ बाबू जी की चरण में तो स्वर्ग है कथे मोर भाई, चल माँ बाबू जी की सेवा करबो, वही में हमारी जिंदगी की उद्धार हुई। नहीं नहीं भैया, तोला जाना है तो जा भैया, मोला का जिद मत कर भैया, मैं तो नहीं जा सकूं भैया। भैया तोला जाना है तो जा, मैं तो घर में पैर भी नहीं रखूं भैया। भैया तोला दिन याद है भैया? भैया वे माँ बाबू जी हमारा एक एक दाना पर यहाँ तक एक लोटा पानी पर तरसा रही भैया, तो कथा घर जाऊँ क्योंकि तोला जाना है तो जा भैया, मैं तो घर में कदम भी नहीं रखूँ भैया। वाह किशन वाह, अरे का तोला रही पर महालसन घर मिल गए, पहने पर अच्छा अच्छा कपड़ा मिल गए, अरे खाए पर अच्छा अच्छा खाना मिल गए, तो जन्म दे भैया दाई दादा ला भुला गए। छोटे जे दिन हमन बचपन रही है ना तो चले ना नहीं सीखे रहे, उंगली पकड़ के हमला चले ला सिखाई, काता वो मंगलू का कला भुला गए, अतका घमंड होगी तुला। छोटे मैं तो सोच ही नहीं रही हूँ भाई कि तुला अतका अहम हो जी करके, लेकिन तय मोर साथ नहीं जाओ कथे से ना कोई दिक्कत नहीं है, मोर एक ठो बात कान खोल के सुन ले, अगर तय मोर साथ माँ बाबू जी से मिले पर नहीं जाबी ना तो ये तोर बड़े भाई गोपी तो लिए मर गए। भैया ये तो किसी बात का सर भैया, मैं तो तोर परछाई हूं ना भाई, ते जेती जाबे ये किसान जरूर जे भैया। एकर मतलब ते जाय बर तैयार है? हां भैया। हां छोटे तय तो मोर परछाई है। हां भैया, जेती मैं जहूं ओती तय जाबे, एकरे से तो कथे मोर भाई कि गोपी बिना किसान अधूरा है, किसान बिना गोपी अधूरा है। एक काम कर, जाते तोर भाभी ल तैयार हो बर बोलबे और मैं जात हूं दाऊजी के पास, दाऊजी से इजाजत ले लेते हो। ठीक है भैया। दाऊजी, ए दाऊजी। हाँ गोपी, का बात है बेटा? बाप रे तू दाऊजी। खुश रह बेटा, खुश रह। दाऊजी, हाँ हाँ। आज ना हमारे माँ बाबू जी के बहुत याद आते। दाऊजी, हमर मन के मन करतरी से दो चार दिन के लिए माँ बाबू जी से मिले पर गांव चले जतिन कहते हो दाऊजी। अच्छा, गांव जाना है? हाँ दाऊजी, माँ पिताजी की बहुत याद आती बेटा, बहुत याद आती दाऊजी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे दो चार दिन का 15 महीना दिन गुजर के आओ, अब एक काम करो बेटा। का काम है दाऊजी? साथ में लक्ष्मी घर ले जा, बहु अपन सास ससुराल देख ले। वो तो बहुत बढ़िया हो जी दाऊजी। हाँ लक्ष्मी। हाँ बाबूजी। जा बेटा, तू तैयार हो जा। पर जाना कहाँ? पर जाना कहाँ है? कदम लेकर मन कहीं नहीं बताए हुए हैं। नहीं बताए बाबूजी। अरे अभी गोपी कहा थी से गांव जाओ कहीं के, तो तैयार हो जा। हाँ बाबूजी। और एक काम कर लो नहीं, वो गोदरेज में रखे रहे हूँ लड़का के सब दवाई बूटे मन लगा, सिरप मन लगा। अभी मौसम ने देखा था, उतार चढ़ाव चलो थी। हाँ बाबूजी, बिल्कुल सावधानी से चलना है भाई। हाँ बाबूजी। हाँ हाँ हाँ, ले ठीक है, जाओ जाओ। छोटे भैया तैयार हो गए? सुर भाई। हाँ भैया। लक्ष्मी। हाँ जी। तैयार हो गए जी? हाँ जी हो गए। चलो ना फिर देरी का चीज की, चलो ना कभी। अच्छे बुरे दिन साथी रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, अपने
ही तो हमारे गाँव है लक्ष्मी। हमारे गाँव ही? हाँ जी। हमारे गाँव तो बड़ सुंदर ही जी। लक्ष्मी? हाँ जी। जो पीछे मकान देखा था ना? हाँ। वही तो हमारे घर आए। हमारे घर भी बहुत सुंदर ही जी। लक्ष्मी? हाँ। हम बहुत दूर से सफर करके आते ना? हाँ। जरूर तुला थकावट लगी हुई। हाँ जी। आप मैं तो जानते ना, मैं तो घर से बाहर नहीं निकला तेला। पता है जी। हाँ। लक्ष्मी? हाँ। ते एक काम कर, जाते है घर में आराम कर, हम दोनों भाई अपन ये गाँव ला सैर करके आथन। ठीक है जी, मैं घर में आराम कर लेता हूँ, आप मन घूम के आ जाओ। ठीक है जी। हाँ। छोटे भैया, आज ही हमारे गाँव तो देख मोर भाई, कत का सुगर लगत है, कत का विकास होगी ना। हाँ भैया। छोटे, आज हर गली ला तो देख कंक्रीटीकरण होगी, हर घर गच्ची वाला होगी। हाँ भैया। खम्भा मल्ला तो देख, बड़े बड़े लाइट लगे है। छोटे भैया, ओ जगह ला तो देख, जे जगह बचपन में हमने गिल्ली डंडा खिलत रही। सच में भैया, आज जगह में फार्म हाउस बन गए। फार्म हाउस? हाँ छोटे, फार्म हाउस तो नजर आते, पर फार्म हाउस के मालिक ये मोहनी सूरत याला, ये नाना मनिया, ये आंखें ते पुत्री मत मला बचा। अरे आज आही काले आही परसो आही नरसो आही तब मोरी जीव रहा जुड़ाही, मोरी घरे राम लखन आही आही जी, मोर गोपी किशन जरूर आही। का करे भैया हो, कई बकत हो के देखत हो, पर्व में बैठ के कौवा काँव काँव करते, कहीं मोर गोपी हो किशन अही तैसे लागते। पर का करबे दादा हो, अब्बड़ प्यास लागत है, ये मोटर वाला लाइन है बंद है दादा हो, एक कन बोरिंग ला टेंट के देखो, निकल के निकल के। आहा बस ये बोरिंग घलो सुखा गएगा। ओहो काकर फोन आएगा। हेलो, हाँ हम मंगलू बोला था। मंगलू, अरे क्या बताए हो, ये बरस के पानी ऐसा जम के गिरा रहा है कि जम फसल जमा जम हो गया। अच्छा भौजैया से बात करी है, तनिक देर बाद लगा है भैया, काबर अभी हम बिजी हूँ। राम राम दादा, राम राम भैया, राम राम। ये मोबाइल के चक्कर सूतत बैठक खावा पियत एक मई है दादा। ओहो छुट्टी। हाँ भैया। ओ फार्म हाउस के मालिक कोई नहीं, बल्कि जो मोबाइल में बात करत ना ओहरे बिहारी भैया। बिहारी भैया नहीं, ये तो हमर मंगलू काका है। काते नहीं सुनिस, जब ओकर पास कॉल आई तो बोलिस हेलो मैं मंगलू बोलत हूँ। हाँ भैया। अच्छा तू लो बचपन की खिलिया दी। याद है भैया। एक काम कर, तेरा सामने से जा, मैं पीछे से जाता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है छोटे। कौन बाबू हो, काबर मजाक करते बेटा हो, कौन होगा भगवान, मुला लगते से काबर जैसे बचपन में ये यंगरी पकड़ के मैं चले बार सिखाए, कहीं मुर किसान पाप रहे। गोपी। हाँ कक्का। बेटा मोर किसान कहाँ है बेटा? बहुआ है ना कक्का। आ है बेटा। हाँ कक्का। बला बला बेटा। छोटे। हाँ भैया। कक्का पाप रहे कक्का। किसान बेटा, आज जो मैं देखा था वो सपना है या हकीकत है, मोर समझ में नहीं आते बेटा। कक्का आज जो तय देखा था ना, वो हकीकत आए। हाँ बेटा। कक्का वो आज ना हमन दो जो नहीं बल्कि चार जो आहन। और कौन कौन है बेटा? कक्का हाँ। मियाँ हूँ। अच्छा। छोटे भाई किशन आ है। हाँ। संग में तोर बहुआ है और तोर संगवारी घलो आएगा। अरे 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 मोर संगवारी घलो है बेटा। कक्का बला बेटा। लक्ष्मी। हाँ जी। पातो जी। हाँ जी आवत कका से आशीर्वाद ले ले। हाँ जी। ये ले कका तू नाती पाप रहा तू कका। सदा खुश रहा मोर माई के, सदा खुश रहा। ओ हो ले 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 ले। नीरो भैया, नीरो दाऊ, नीरो जी, नीरो पहलवान, नीरो नीरो भैया। ए गोपी काय कका कास बेटा, ए तो टुरल कप के सर्दी धरे नाक गदगद पे कच्चा लागिस गा। हाँ। कका ओला सर्दी नहीं धरेगा। अच्छा जब के ते पास। हाँ। नातिल पांव की घेरी भेरी चुमत हस। हाँ हाँ हाँ। हो सकते तोर नाक के ओकर नाक डान उतर की सोई। हो सकते बेटा, सियान आदमी मरे उतर की सोई। वहा दे बेटा मोसी मोसा
दादी दादा नानी नाना बैठे देखबे ए गोपी काय कका तो टुरा साल धरते बेटा हाँ ऐसे ये बात ओहो नांगत लपेटे रे करदाई हरे ठंडा लगा थी कका सुबह सुबह था 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 धर बेटा था था ओहो आई तो बात बात ओहो बाजू 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 हाँ हाँ आधे आधे ओहो बाजू 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 आज मैं बड़ खुश हूँ बेटा ए बहू हाँ काका ये डांस अहू और नाती ले जाओ ले 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 मम्मी हाँ भैया हाँ दाऊ हाँ हाँ अरे 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 हाँ भैया हाँ जी अरे ले धार दाई ए बेटी हाँ काका तो टूरा बिस्कुट खाए सीखे वो ठीक काका नहीं खाए ला सीखा थी काका सीखा थे हाँ काका ए दे बेटी 10 रुपया धर ले आ जा वो दुकान में एकल ले 5 रुपया पार ले जी आ 5 रुपया बाबा जी ठोल लो हाँ काका वो सब बढ़िया का सब बढ़िया बेटा काकी कैसे हैगा तोर काकी बनेगा तो अरसूर ताल करते ढूढू ढूढू रोत रहते बेटा तक काका वो चलना हमारे घर डांस जाबूगा नहीं जा बेटा मैं नहीं जाता था काबर का वो तो दाई झल के तात पानी मोर सुरता नहीं भूला मैं नहीं जा बेटा का 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 हाँ आज ले पुराना बात ना धर की रखी है इसका मैं नहीं जा बेटा जिद मत करो घर में मैं जा भी नहीं करूं बेटा का का वो हम अनान हमार मन के संग चल लगा गोपी ते जिद मत कर बेटा मैं वो घर में जा भी नहीं करूं नहीं जाऊं नहीं जाऊं हाउ का का हाँ अब कहाँ जाबेगा काबर की ते तो फार्म हाउस के मालिक जो बन गई ना कका तोर तो पहनावा ओढ़ावा से इसने पता चला थी कका कि अति बड़े आदमी बन गई आज पता चलीस कका जेन गोपी की सलती बचपन में प्यार करत रहीस ना वो प्यार नहीं बल्कि एक ढोंग है देखावर ही से ऐसे बात मत बोल बेटा तुम जहाँ कहूँ मैं जाए बता यार हूँ चल बेटा चल 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 छोटे चल भैया वोय ए कोने का कते मन ये देल कर हा 20 सड़क में सोगेगा वाह इगर बात ला मत पूछ बेटा इगर भाई आठो काल 12 महीना कातिक का कातिक का? वही पिए वाला कातिक कका हां हां ए सियान हा पिए समझ आथेगा हां हां ओ सियान हिन गलो पिएगा ओकरे आदत तो ज्यादा बेकार है 3:30-4 बजे तन डोकरा लुस्टा थे चल ना आधा माधा हो जाए कहके अभी वो डोकरी 1.5 पाव से कम नहीं मारे है फूटा सन बैठे है डोकरा के डबल होके सुरा सन सुते है कका हाँ हाँ मोला तो इसे लगते का हाँ ए सियान हमार के है हाँ और सियान ही लग पता चली है वो लकड़ी वकड़ी घलो मंगा ढे काते है बेटा हम फंस जाबो चलो चल 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 कका वो एक बार देख तो लेथन का देखना है हाँ पर तुम दूर हम रहा बेटा मोला देखान दे देखान दे जिया थे बेटा जिया थे कका जिया थे कका हाय पानी पानी कहा थे का पानी नहीं खाए बेटा ए मन 2-3 दिन के खाए नहीं हुई तब भूख के मारे नानी नानी पानी दे 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 पानी नहीं कका ए मन प्यास के मारे तड़प थे का अच्छा पानी पानी कहा थे देखो कहां बेचारे बेटा कका हां हमन तो इंसान है रंगा हां बेटा इंसानियत के नाते हमर फर्ज बनते पानी पिया दे तिन कहत रहो कका ये बात बिल्कुल सही बोले बेटा कथे भूखेल भोजन खिलाना चाहिए प्यासल पानी पिलाना चाहिए पर बेटा तू हर जाए के बाद मैं मोर जीवन में बहुत पुण्य के काम करे हो और बात तुम कहो तो ये दोनों जन बा बोरिंग के ठेठा ऐसे रही तेन में ऐसे नहीं करो तू मला पियाना है जा बेटा पियाओ मैं आराम करत हूं जा जा छोटी हां भैया जा भाईओ सियान ला पानी पिया दे ठीक है भैया ए सियान उठोगा उठो सियान दे 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 अब प्यास लगा पानी दे 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 पानी पिया दे पानी दे 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 ए पानी पी ले सियान अतिक जान मैल खेल हुमेलिस नहीं है मुहिल चीन का खुदा ना थे आप बाबू कोरम के कर हलत वाला छोटे भैया
पानी पिया रे मोर भाई। हाँ भैया। चल फिर घर तरफ चल थन। चल भैया। बाबूजी छोटे बाबूजी 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 काबर परेशान कर तो बेटा हो सियान आदमी से मजाक मत करो बेटा हो। बाबूजी हमन तोर गोपियों की सनन बाबूजी। मोर गोपी। हाँ बाबूजी। किसान। हाँ बाबूजी। नहीं ये नहीं हो सके मोर गोपी किसान ये दुनिया में नहीं है बेटा। ओकर नाम लेके बोला सोच समझ देवा बेटा। मोर गोपी किसान ये दुनिया से निकल के बेटा। बाबूजी हमार बात में विश्वास कर का हमन तोर गोपियों की सनन। नहीं 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 ये नहीं हो सके मोर गोपी किसान ये दुनिया से निकल के बेटा। उनका नाम लेके सुनता मैं देवा बेटा हो। कहाँ गया? कक्का। ओए। बाबूजी ने तेरी समझा देना कक्का। क्या बताऊँगा? ये आदमी मन के थोथना देखना पसंद नहीं है। फिर मैं मजबूर है लेकिन मन के कारण। हाँ। कैसे का? बड़े भैया। अभिमान तू समय ऐसा गुजरता है। अरे फलता वही है इस दुनिया में जो अपनों और दूसरों का उपकार करता है। अरे भैया अभिमानी रही तीन जन रावण कौरव कंस और नहीं पति आते देख ले भैया वो तीनों के नहीं है पंस। पर हमारी किस्मत अच्छा रही आज हमारे लड़का मन दर बदर ठोकर खा के घर में वापस आ गए। पर आई ते पहचान नहीं पाए तो दुर्भाग्य है भैया। वाह बर्बाद वाह मालिक आज मोरे आके के तारा आके के सामने निकाल ये फुटा आके पर औलाद न देख नहीं पाई से आंखें नहीं दिखे। ए आंखें नहीं दिखे भाई। ओहो बाबूजी अब चिंता करे के कोई बात नहीं है बाबूजी। अब तोर आंखी के तारा गोपियों की सनागी का बाबूजी तोला वो बात याद है बाबूजी जेन बात हमारा बचपन में बता रहे माँ झिलाही के महिमा। चल बाबूजी भी माँ झिलाही के मंदिर में जाबो अगर तोर गोपी किसान अच्छा काम करे ही ना बाबूजी तोरी आंख की रोशनी ला जरूर वापस करी बाबूजी। भैया रात दे बेटा। ए भैया बोले आके के जरूरत नहीं हमार लइका मन ठीक आते के तारे आके तोरे सारा हमार लइका मन ठीक आते तो जानत सो माँ के महिमा ला मोरदाई दे दहो। वाकई में सही बात है ये माँ के मंदिर में मैं खुद गए रहे हूँ मोर साथ मोरा टीम के पूरा 11 आदमी रही अब बुझे दीपक मोर हाथ से माँ के मंदिर में जल गए। तो भैया बोले विश्वास है जरूर तोरा की ज्योति आपा सही और जैसे तू हलाबे ओकर बाद हमारे घर कहाँ से बिगड़ीस कैसे बिगड़ीस ओकर इलाज ला मैं करूँ। चल भैया चल 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 बाबूजी। लक्ष्मी। हाँ जी। माला भी मंदिर तरफ ले आ लक्ष्मी। हाँ जी ले आता बहू। हाँ काका। वो दाई माला एक दूजन बाला अगर तो सास के डेनल धर के कोपरात लाए रहा पाप रथ माँ। क्या बेटी चलो मंदिर जाओ। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है ये बात आया तो हो बिखर माँ के कदमों में जन्नत है। I'm
भैया मैं तो सुने रहे हो जाने रहे आ जाऊ मान गए भैया कि वाकई में माँ के दरबार में दे रहे फिर अंधेर नहीं है आज ये तो राखी ज्योति वापस आगे भैया वाह माँ तोर महिमा कितना निराली हृदय आ तो मोर राखी की ज्योति वापस लौटा दे माँ मोराखी के तारा गोपी किसान घलो को वापस लौटा दिस माँ तोर जय हो दाई तोर जय हो माँ तोर धर्म ध्वजा फहराते रहे माँ पाप रथ बाबू जी खुशी रहो बेटा पाप रथ बाबू जी खुशी रहो बेटा बाबू जी हाँ बेटा ये खुशी के साथ साथ एक और खुशी है बाबू जी का खुशी बेटा लक्ष्मी हाँ जी ए तरह पातू जी हाँ जी आवत बाबू जी से आशीर्वाद ले ले हाँ जी ए ले बाबू जी तुम्हारे नाती बाबूजी आपके बचपन के मित्र ठाकुर डोमेंदर सिंह लड़की है बाबूजी वाह दोस्त वास्तव में सच्चा दोस्त मिले जो अपन दोस्ती लखूबी निभाए कचे धीरज धर्म मित्र ये रुनारी आफत काल परख है चारी इंसान ला आपत्ति और विपत्ति के समय में ये चारों चीज के परख करने चाहिए कथे करना चाहिए पर वास्तव दोस्त जैसे ही मोल कमन ऊपर आपत्ति पति हाँ। वो समय में ते अपन सहारा दे दे हाँ। वो कह रहे वादा हाँ। वो वादा लग लो पूरा करके दिखा दे दोस्त तो दोस्ती पर मोला नाज है दोस्त तो दोस्ती पर मोला नाज है भैया हाँ भाई आज तो राखी की लाज हो है हाँ हाँ। लई कमन घर सफर से आज आ है हाँ। तुम जाओ आराम करो हम ओकर पता लगात हूं हाँ। हमारे घर कहां से बिगड़ी कैसे बिगड़ी बहुत जल्दी पता लगात हूं भैया जा 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 ये भौजी आई काय बाबू वाह जनमन कुकरी कई दिल सेल बैठे थे से गोठावा था हानी पानी गोठिया था अभी अधिक नहीं बुढ़ा हा भौजी काय बाबू मैं तोर का छोटकन बूता ले का रहे हैं यार का छोटकन बूता वो ते मलत्री बताते ये तोर घर कहां से बिगड़ी कैसे बिगड़ी तोर पता नेत्री भर बता दे ते का बार बिसरे बात ला घूम ला थो बे बाबू पर काय भौजी कई ठन बात अभी दी रहता बे रहते गोठाल बे थलका लागते कथो यार रहन देनिया ते जान थत नेत्री बता बस जाना था ऐसा तोर के कन्नी ते करे कुछ मिले सब भागे धार धार पर नहीं भौजी ये काम ला करे पर करे हस पर अकेला नहीं करे हस कोई न कोई तोर गुरु है हाँ बाबू अच्छा गुरु है तो कौन है कहाँ के बता देते भौजी आज बेरु एक पहली ओकर पाल में पल लेते वैसे मैंने बाबू जान लेते कुट कुट ले मार डार भी वो और दिमाग खराब है काकर बहु बेटी का कैसे मार डार भी काकर बहु बेटी नो है यहाँ कौन है यहाँ घर में आराम कर अब मैं हमारे घर ले आता हूँ वारे नारी मैं तो कहा से कहानी समझे दूसर के घर में आगे लगाए आज आ लेने ले तब ठंड से तो सुर खबर लू मैं हरे हरे आई मुरली बाजे में
भगवान का नैया बांसुरी बजाते देख रहे हैं? मैं इतनी देख रही हूँ जोड़ी। ज्यादा जननी रहा है वो? कार्तिक बार रहा है। यहाँ लटरी बार छोटे सा रहा है। ये दाई। हाँ तो देख बे वो। हाँ। आज मैं भीतरी घर में नकदेवन बजाऊँ नकदेवन। अच्छा तो सबने बजाए सीखे पहाड़िया। खेड़ा सीखे हो? खेड़ा सीखे हो? हाँ। मैनेज करे हो जोड़ी? हाँ। फिर आज मुलाकात करनी बजा के सुना देते इसका तो यार। चिंता मत कर। आज मैं कहीं बूता नहीं तो सब स्वर ला सुनूंगा। ये ना सुनाने था यार। पर बोधरा एक ठो बात बताते। ये भौजी घर आवत रहे जावत रहे पता नहीं ओकर घर में कदर हाले आंधी तूफान आइस ओकर घर तर बतर हो गए बोधरा। सही बात है पहाटिया। पते कहीं जान था वो? आई देख कैसे गोठिया था वो ठाकुर का जावत रहे। अच्छा। ओकर घर के सारी बूता काम ला करके अपन घर के घर हुआ जात रहे हूं पहाटिया। सही बात ला नहीं जानो जोड़ी गौकिन। ये रास्ता हो गए वो अनि जान के कथो तोर हकायो। ए बोधरा काए ए बात लेके चलबो ते हम हो जाबो झगड़ा। हां या बात ला छोड़। कैसे आज मौसम के रहल भूख लगा थे एक आध कावरा कोरो भात बचा है एक कावरा जी साबे तेरे तो विलेज में हर खाए हो पहाटिया आगिल बारे हो अंधार मढ़ाए हो चूरे नहीं है यार। चूरे नहीं है? हाँ। तो सुन बोधरा जब के मोर घर में हत्ते ही रांध हत्ते ही पोरस था। सही बात आई तो चन आज सिस्टम ना चेंज कर था। कैसे हो? आज मैं रांध हूँ मैं ही पोरस हूँ। ये तई ले देखा तो या बहनी हो हमार का पहाटिया का कहते आज मैं रांध हूँ और मैं पोरस हूँ कहीं कहते बिकट खुशी की बात या। जल्दी बता सब्जी में का रही? आई आज कड़ी खाए के बिकट सम करत पहाटिया। अच्छा मैं तोर बना हूँ मीठा नीम के फोरा। हाँ। अब बना हूँ कड़ी कड़ी आई तन में खाऊं ते देख ले बे बोधरा। हाँ। ते देखे ठन हाथ में करसुल धरा एक ठन में धरा आज मैं दोनों हाथ में करसुल धरूं। अरे तो दई जल्दी रात बैठ 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 मोर दाई दादा हो ये हा मोला मध्यान भोजन के रंधैया बना है अब का कथे कढ़ी खाऊं कथे कढ़ी नहीं आज तो इधर खाऊं रे इधर बोल पूरा से आई कासिया मैं तोला पूछो चार काठा ग्राम था ते पांच काठा ग्राम था दैरा निकोली मुड़ी डार दे हवास आ तोर इंजन बने रीता हो गए का आई का हो गए पहाटिया अभी ताते तात उतारे आलम लेके मणा हो आई बनेज करेसिया थारी मानल के रहे बोधरा बार सुंदर बुता करे जोड़ी ते मोल ये बता। हां ते हमोल पोरसास। हां ओ थारी काय मानस हो? अच्छा ना रात में मानजो या आवाज तोर पोरसा तो नहीं। हां ते थारी मा बिम बार में मानजे हो बिकट चमकत होई पहाटिया खाए पहली थारी में तोर थोसनल तीन घंटे देख डार बे ले आना जल्दी लाना ताओ तेरे काढ़ी रे ए पाटे लाज का हो गए वो मार बड़े फजल पिखाड़े रे का मार मारे चालू करे हवे तेरी मेरी थमदरी रे क्या हो गए का हो गए अरे ओए काए वेलकम टू माय हाउस का हो गए कैसे काए ओकर घर में आग लगी तीन जनास ओकर घर में आग लगी तो जानते तो काती जाने नहीं बताते तोरा तेरी नाम की कद्दू बेचूं बाबू तेरे भैया आज का हो गए थे बड़ी मारते बाबू का हो गए क्या मांग लो भैया कौन का अरे मैं तोर छोटे भाई बोला थोगा। अच्छा हाँ बोल भाई। अरे मैं का थोगा। हाँ तोर घर मोर घर कितनी दूर है? पर्दा आड़ ता है क्या? खाली पर्दा आड़ है। हाँ आई आई और हमला कहीं बारे में जानकारी नहीं है। हाँ घर में तो दुनिया भर फटाका फोड़ा था। कहा बता मोर दाई दादा आदमी है जले में नमक छिड़के ब कम नहीं करे मोर घर का होते ए फटाका उस रहे का करबे का भाई मैं गिरे अशोक मड़ई उहल ला रसगुल्ला संकेर हल खैस 4:30 बजे टूरा आइस। ये तो बर्जन जैसे के बात भैया। अरे बर्जी के आशा लगा रहेगा। अरे सबो मन अपन नाना लोग लेकर खेलाते मोरो कर दिस भगवान बहु खिलाते हो के आज तो आशा पूरा हो गए सब पूरा हो गए तब मैं कहत रहे भैया खर्चा ल झन डरावे का थोगा इधर आ मोरे ले सरकार एक कोंटा ऊपर हाले थे थान ला ओ कम पढ़ी ए जोड़ी पाड़वा रखे तेल बेचू तोहन नाचल करबहु। अरे वो नाचो भैया। अरे भाई भतीजा पाता नाचबेस करबोगा अब भौजी लते एक को तो शरीर जो ख्याल नहीं है बहरी निकल गए वाह माता बहिनी मन का जाग में माने गोठिया आते का तो खुशी मना आते भीतर भीतर मुसर मुसर भीतर भीतर मुसर मुसर
क्या बात है भौजी। अरे मैं तो फटाका के आवाज सुनने तो जान रहे हूं, एक जन है जावण जी मर गई के। आ बता मोर दाई दादा हो आदमी है ना, मैं क्या बताए कैसे बताए, मैं कहा बताऊ कैसे लागते। हाँ बाबू तुम्हारा हरिहर सुझे आवे, हमार घर में का गुजरत आवे तेला हम इच में जानबो, जाहू दुकान में हमार यहाँ पर फटाका ला लू और तुम्हारे घर में आटिन चरस ले फोटारू बाबू। फटाका कौन कहा मार एक दुबांगा चाल बना लू और एक गाँव भर के मेरा चाय पिया लू बाबू। सब बच बुदल कर बो तुमन कदरो फटाका फोड़ रहो, हम तो हमार ढाले फटाका फोड़ बो और ते एक बांगा दो बांगा चार बात लगा था हम तो आठ दस बांगा के बारे में सोचे हैं। अब वह खेता हो जाएगा मगर कोई मतलब नहीं, आजकल चाय पर कौन पूछते नहीं पूछे कोई नहीं पूछे ना कोई नहीं पूछे भाई। अब हम तो बहरी माल घर में मांगा, हमारे गाँव में पूरा भंडार है उधर। अच्छा अच्छा चिंता मत कर, पूरा बस्ती भर नहाना है हम वहाँ में ले तो भला रमान खलो चली भैया नहीं ना कुछ मांझम सुसु या मोहक दारू पी हूं हाथ और रमान ल करहु तो मैं मोट ढाल ले। रमान तो ढाल ले मोट ढाल रही रमान ले करवा ले भैया करवा ले। खबर होकर बिना कहीं मजा नहीं आएगा, नहीं आए जब तक नहीं चले सोहर भर तब तक कहां मजा ही। तभी तो आखिर चलेगा गुड्डू के मोसिया के झूलना झूला लाज नहीं लागे ओकर बहनी शरम नहीं लागे, आधा मार डर है तैसे वह मार भागत है दिल होती अतिया कसरे बेशरम बेहया बच्चाल औरत पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र बंधन है। अरे मैं तोर पर विश्वास कर रहा हूँ, विश्वास खत कर दे ये बस्ती में एक लायक नहीं छोड़े पर नहीं रे नारी ये तो 2020 पहली पारी है, दूसरी ये पारी हो चली दिया कहगा भैया मगलो। हाँ बड़े भैया का बात है भाई, बिहने ले या पर्ची लाता हुआ थसगा भैया। हाँ हाँ आज मोरे नाक कटा के भैया। कैसे गोठिया थस भाई भैया, बड़ा उठ उठान कुठान गोठिया थसते हैं आज भैया। हाँ तोर घर के आगे लगा ये कोई न है, ये मोर घर के भाई और तुम्हारे घर के भौजी हेमंत दोनों मिल के आगे लगा मोर बापी के ठाकुर तुम्हारे घर के बनत लबे देख नहीं पा ठाकुर। वाह पाटनी आज ये बात सुनत मला बहुत दुख होत पाटनी, बहुत दुख होते मैं तुम्हारे का समझे वो का निकले हो, ये घर में पराया नहीं माने छोटे के बहु दर्जा दे रहे हो और आज ऐसा काम ल करे हो मला बहुत दुख है पाटनी। पर नहीं तू मला दोस्त देख बजाए मुलपन आप लछाकना चाहिए। अरे मोरे पत्री में छेद है तो दूसरा दो देख मला कोई फायदा नहीं है, जे नारी लाज एक घर सजाई और समारी कहीं लाए वही नारी मोर घर में आगे फूक दे तो तोला दोस्त देश कोई फायदा नहीं पार्टनर मगलो। हाँ भैया कोई कर हथियार हो दे तो भाई दो टुकड़ा काट के फेंको ताकि ले भैया हथियार ले के कानून अपन हाथ मत ले बल्कि पकड़ एमे वो क्षमता है अच्छा सा शब्द उगला क्षमता है। अब मोर है टोटल आज बफर सिस्टम रही तोला कैसे मिटाबे ते जान बाकी छोड़ मत जा। ओ दुष्टिन के दे खोलिम खुसरे खींचत निकाल थो। ए गीता हां तोर कहीं काम बुता नहीं है वो आ संग के रह ले कब तो पीस ली था पीने ले। ए भौजी काय बाबू जल्दी आ जल्दी 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 का हो। अरे तोर बड़ परचाय बड़ पहचान गा हम अशोक करे तुहर का भैया सन मड़ी। हाँ तो वहाँ जवान मान सियान मान तू ही पूछे आई कैसे कहा बाबू। ओ गलारा भौजी का हाल चाल कह के हाँ
तो वहाँ सियान मन है और जवान मन दोनों मिला के तोर बा कलकन जो रहे कौन धरे बाबू तुम्हार का भैया धरे और खड़े ये दाई का भोज जाले बिल बा जाग नहीं लाए बाबू तो कलकन ना बचाई का था आज वो धरे बेचारा खड़े है मैं कहता हूँ तुम मुखारी बाद में करू पहली खा ले मैं निकलता हूँ खा ले बाबू तेरी जाना खा लो मीठा चीज मोर सन नहीं जमे नॉन मून चीख लेना नहीं खा भौजी ले तुम खाओ बहुत चाय बनवा चाय पानी कुछ लगे बाल की काली अतरी भी रहूं स्वाद कैसे लगे पूछे बा ए भैया दोनों जन बराक ले बाबू खाओ वाह रे दुष्टिन ये जीवन में ऐसे कौन से मिठास के तौर पर कभी करो मोर पुरखा के सारी संपदा तोरा दिन सौंप दे और नाचुक जलेबी को धारण देता बता जेन दिन ये घर में कदम रखे का चीची कमी तेरे बता काई कमी नहीं रही से आवाज अति जोर से तूफान उठिस जेन तूफान काल मोर जिंदगी के नये हिल गए एक एक दाना रिहा भूत भूत पानी के लिए तरस गयो आग से अंधा हो गयो मोर आखी के तारा गोपी किशन मोर से छीन गिरी ये तो माता रानी कैसे कृपा है जो मोरे आँख के जोत लो वापस लौटा दीस अब मोरे आँखी के तारे गोपी किशन घलो को वापस लौटा दीस आवाज उखरे प्रसाद में तन में कपड़ा नसीब होते अतिक बड़े तूफान ला तय यहाँ ला के खड़ा करे पर मैं तोर मुंह से सुनना चाहता हूँ गीता मैं तोला पूछा था माफ कर दीजिए मला माफ कर दीजिए मैं दूसरा पुतला माट के अपन का लबिगा तेरे वारे दुष्टिन ये घल्ला बर्बाद कर दे मोर माफी दे दे के थस अरे तोला तो ये घर के लक्ष्मी बना कला है ये घर ला स्वर्ग की तरह सजाई के गए पर ये घर के सुख शांति ला नागिन बन के डस जा रे निकल जा ये घर से मले घर में अरे कहीं जा फांसी और कमर जा पर ये घर में तोर चेहरा नहीं होना नागिन कहीं जा निकल जा और आ हाथ तो सत्यानाश और झटक ही एला देख ले एल नतको तक हो सुने वा कुरा ससुल था डारीस गांव मन कोई नहीं देखिन त बन गए ते हम वाला डांड बोड़ी दे बाबरे बांगो ये नागी लमो नजर से दूर हटा दे नीचे कर गर्दन दबाक मार डाल निकल जा तू से ये घर में तोर चेहरा नहीं होना निकल जा कहीं फांसी और कबर जा बाबूजी तो लग कोई जगह नहीं मिली जी कष्ट उठी हो तो कलम वाह तो वाला वो करेज बना है भौजी बाबूजी माला मत मार बाबूजी माला एक घम आप कर दिखा गोपी हाँ बाबूजी एला माँ बोलते बेटा हाँ बाबू नहीं गोपी माँ के नाम से धोखा है बेटा माँ तो वो पवित्र लग जाए गोपी जी मैं माँ पुकारते हैं ममता छलक आते बेटा ये सुखा लकड़ी माँ का ममता कहा जाए नहीं जाने ये नागी ने डाय ने पापी ने बेटा ये ला माँ बोल के माँ शब्द का अपमान मत कर बेटा मत कर बेटा तू मन चाहो बेटा मैं तो हर खुशी के लिए बदकर्तन भी कटवा दूँ पर ये माफी के काबिल ही नहीं है बेटा हाँ गोपी बाबूजी हाँ बेटा एक बार माला खो चुके हैं बाबूजी दोबारा माला नहीं खोना चाहेंगा हमर मन के खातिर माला माफ कर देना बाबूजी वाह बेटा एक बार माला माफ कर देगा तुम्हारे हृदय कतन अविराज है बेटा मैं धन्य हो गया बेटा तुम्हारे जैसे औलाद बाके मोर कुल धन्य हो गया बेटा देख रे नारी आज जैन पुत्र दर दर ठोकर खाए तो नाम से आज वो कतिक सुंदर पवित्र लब्ज इस्तेमाल कर थे अरे पुत्र एक बार कुपुत्र हो जाते पर माता कभी कुमाता नहीं होती अरे जैन देश में तेरे थस वो देश लग लोग भारत माता के नाम से पुकारे जाते जैन राज्य में अभी निवास कर थस वो छत्तीसगढ़ महतारी कथे अरे माँ के रूप में जन्म धर के माँ शब्द का महत्व नहीं समझे धिक्कार है तोर जीवन ला जाओ बेटा मैं तो तुम्हारे खुशी के लिए ये जीवन के हर खुशी कुर्बान करे बर तैयार हूँ बेटा हर खुशी कुर्बान करे बर तैयार हूँ माँ हाय गोपी बाबूजी से आके माफी मांग ले माँ बाबूजी माँ ने एक घाव माफ कर देगा माँ ने एक बार माफ कर दे मला माफ कर दे जी मैं इस अंगड़े अब कब होने कर मैं कब तो ला माफी दूँ जा ये चार गंगम जा अपन पाप ल धोले मैं तो अपन औलाद गोपी और किशन के कारण ये जीवन के हर सुख त्याग करे बर तैयार हो सुने तो मरदाई दीदी भैया हो मैं दूसरा पुतला मान के अपन घर ले बिगाड़ दे रही हूँ तो मैंने सन गलती मत करो मैं तो हर मन से हाथ जोड़ के माफी मांगू कथे बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए अरे काम ही बिगाड़ो आपने और जग में हो हंसा सब देख के तो हंसा थे कथे नारी अगर चाहे तो हमारे समाज देश वगाओ लो स्वर्ग बना सकते पर तुम नारी के रूप में जन्म धरे हो नारी से रो न्याय दिन भर कुई कुई करत
की? हाँ बाबू। तहू ककल एक माफी मांग ले काकी। झीपारी बांध के रहे। अरे नारी नारी होना तो सीता सावित्री पार्वती जी से होना पड़ते नारी के रूप में जन्म धरे तिहार पैदा हो गए दूसरे घर लकोड़े कुछ मिलिस नहीं मिलिस आज भी तोर का समय है अगर जीना है तो अपन लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जीना सीख और जहाँ चार समाज में मांग ले दे दी तो दे दी बारह महीने अलग निरंजन करत रहे मरदाई दीदी भाई बहनी हो जे गलती ना मैं करे आवो वो गलती ला कोई मत दोहरो मरदाई भाई बहनी हो मला माफी दे दाई दीदी हो कोई कुछ नहीं कहा थे कोई कुछ नहीं कहा हिसाब से जा निथा पाठ के मार ही उड़ा फिर बाबूजी हाँ बेटा इहला तो कथे बाबूजी कि नारी नारी मत कहो नारी नर की खान नारी नारी मत कहो नारी नर की खान नारी से नर होत है ध्रुव पहला समान ध्रुव पहला समान हाँ बेटा वास्तव में तुमन हमर ध्रुव प्रहलाद के समान हो बेटा होगा बाबूजी हाँ बेटा ए तो नहीं अति के खेले बाबूजी ए संसार में जेन आदमी जैसन कर्म करथे ना बाबूजी ओकर भोग ल ए भुगते ल पड़थे बाबूजी वाह बेटा आज कर्म के फल के भोग ल बात ल बोल के ओ गोस्वामी तुलसीदास के सुखर मानस रचना की याद दिला दे बेटा जेमे गोस्वामी सुखर अक्षर में लिखे बेटा का हो ना सुदुख के दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करि हितास फल चाखा हाँ बेटा ये संसार में जो इंसान जैसे कर्म करते ओकर फल लईचे भोगेल पड़ते अब ये तो भोग डालन बेटा भटलन गोपी इहला तो कथे बेटा जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी ये दुनिया मां जैसी करेली वैसी भरेली जैसी करेली वैसी भरेली ये दुनिया मां हो मत है बोलो हाजत है तो मत है कब हाजत है तो मत है के बातला धर ले हो भैया इही में सबो के भलाई है कर्म हासत है तो मोर मत है कर्म हासत है तो मोर मत है जैसे करनी वैसे धरनी जैसे करनी वैसे धरनी ये दुनिया मां हो मत है कर्म हासत है तो मोर मत है कर्म हासत है संगवारी हो आप मन ला यो वीडियो हा बने लागे चाहिए तो यो वीडियो ला लाइक करू कमेंट करू और शेयर जरूर करू और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू आप सब ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय भारत।